ओम ज्ञानति निरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी दिशभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी भागवत वैष्णव श्रोता चरणों में सादर वंदन है और हृदय से धन्यवाद है कि भागवत की लीला कथा श्रवण में आप सभी वैष्णवों का अनुराग है, रुचि है और भगवान सुखदेव गंगा जी के पावन तट पर राजा परीक्षित को ये प्रेम ग्रंथ सुना रहे हैं। इस संसार में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, अलग अलग प्रकार के भौतिक ज्ञान विज्ञान सिखाया जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत प्रेम की यूनिवर्सिटी। आज संसार में अनेक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम किसको करना चाहिए, प्रेम का स्वभाव क्या है, इसके विषय में कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए फिर संसारी लोग ये मूवी का फिल्मों का और एक्टरों का आश्रय लेकर और वही घिसे पीटे पुराने गीत उसी को प्रेम मान लेते हैं। देखो प्रेम तो राधा कृष्ण का अजर अमर है ना, और राधा कृष्ण का जो ये प्रेम है उस प्रेम का सही संदेश उस राधा कृष्ण के प्रेम संदेश वाहक सुखदेव को है। इसलिए राधा रानी ने अपने प्यारे सुख को पृथ्वी पर भेजा कि आप
सही प्रेम का संदेश सुनाओ। और देखो इसलिए लोगों को ज्ञान है नहीं, कहते हैं ना प्रेम में मैंने मैंने उसको दिल दिया, फिर मेरा दिल तोड़ दिया, फिर रोता है, फिर उसके ही कपड़े धोता है। देखा जाता है कई लोग कहते हैं कि मेरा उससे प्रेम था इसलिए उसको लेके भाग गए, और फिर 2 साल बाद उसको देख के भागता है कि कहाँ जाओ। ये हम संसार में देखते हैं ये सब नाटक। तो प्रेम के पात्र, प्रेम के विषय एकमात्र श्री कृष्ण है, क्योंकि संसार में तो प्रेम है नहीं, सब काम है ना। और लव इज पॉसिबल ओनली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। ये प्रेम जो है केवल भगवान से और आध्यात्मिक धरातल पर ही संभव, बाकी सब तो काम है। चैतन्य चरितामृत, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम, निजेंद्रिय अपने आप को सुखी करने की भावना है तो वो तो काम है, लष्ट है। तो बहुत अंतर है, प्रेम शुद्ध सोना है जांबू नद है, और काम तो लोहा है। कविराज जी ने प्रेम निर्मल भास्कर, काम अंधतम, ये सब बहुत व्याख्या है चैतन्य चरितामृत में की है भक्तों। और सही प्रेम क्या है उसका वर्णन भी कृष्णदास कविराज ने किया है। माधुर्य भगवत्ता सार व्रजे कैल पर चार, यहाँ शोक व्यासेर नंद स्थाने स्थाने भागवते वर्णिया छे जानाइते, तहा शूनी माते भक्त गौं। कविराज चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि भगवत्ता का सार माधुर्य है, और इसका वर्णन ब्रज की लीलाओं में, और स्थान स्थान पर सुखदेव जी ने ये कृपा किया है वैष्णव, और इसको सुन के भक्त लोग प्रेम में मतवाले होके मस्त हो जाते, भूल जाते संसार, मिट जाती है कामना वासना, और फिर प्रेम राज्य में प्रवेश हो जाता है। तो सुखदेव इसके सही ज्ञाता है। और इसलिए देखो हम लोग कहते दिल दिया दिल तोड़ दिया, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक बताऊं कि दिल किसे देना चाहिए। सीधा पॉलिसी यह है कि दिल जिसने बनाया है उसको दिल देना चाहिए, तो कभी टूटेगा नहीं। और दिल किसने बनाया, आपके हमारे हृदय में जो हार्ट है किसने बनाया, डॉक्टर ने, किसी वैज्ञानिक ने, मम्मी पापा ने, नहीं भगवान ने बनाया। और इस दिल में रहता भी कौन है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते दिल मैंने बनाया, दिल में मैं रहता हूं, और तुम्हारे दिल की सारी इच्छा जानने वाला पूरी करने वाला मैं, और तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास जा रहे हो तो मतलब रोओगे मरोगे पक्का है। और कृष्ण को जिसने भी दिल दिया उसका कभी टूटेगा, क्योंकि कृष्ण से जो भी नाता है वो नित्य शाश्वत सनातन है। और इस संसार में तो चमड़े के ये रिश्ते झूठे हैं ना। तो ये सब विवेक से विचार करते हुए हम सभी वैष्णव एक विनम्र प्रयास करें, और एक धरातल पर अपनी बुद्धि के निर्णय को कायम करें कि प्रेम के पात्र श्री कृष्ण है, प्रेम के विषय कृष्ण है, हमें आश्रय बनना है। और जिस जिस संतों ने, ऋषि मुनियों ने, ब्रज गोपियों ने या उद्धव आदि ने कृष्ण से प्रेम किया, उसी महाजनों के पथ पर चलते हुए हमें कृष्ण से प्रेम करना है। कृष्ण से हमारा सनातन संबंध है, जिसको हम भूले हैं इसलिए तो भटक रहे हैं। तो इसी बात को याद कराने के लिए, उस प्रेम को वर्धन करने के लिए, दृढ़ करने के लिए ये भागवत कथा है। अर्थात काल में रहकर भी कालातीत को पाने की जो कला है उसे कथा कहते हैं। क्या आप रहोगे संसार में, लेकिन संसार के नहीं रहोगे, श्याम सुंदर के हो जाओ, जैसे ब्रज की गोपियां। घर काम संसार में दिखती तो है, रहती तो है, लेकिन उसका चित्त उसका मन कृष्णमयी।
कृष्ण में खो गई है, तो ये आदर्श है इसलिए सबकी। तो ये सारी जानकारी हमें इन प्रसंगों से प्राप्त होती है। तो हम श्रवण कर रहे हैं उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने भेजा, एकांतिना भक्त तम भगवान आह, उस उद्धव को बुलाए और हाथों से अपना हाथ, अपने हाथ से उद्धव का हाथ पकड़कर निकट जाकर एकांत में कृष्ण ने कहा। उद्धव जी एकांतिन भक्त है, इसका प्रमाण आप नोट कर सकते हो भागवत तीसरा स्कंध दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक। सुखदेव जी ने सुनाया है तीसरे स्कंध के दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही कि य पंचायनो मात्रा प्रातराशयाचित तन्ने चन्द्रचयन यस्य सपरिया बाललीलया। बड़ा प्यारा उद्धव जी के स्वभाव का वर्णन हो रहा है। 5 वर्ष के थे उद्धव जी तभी से कृष्ण की सेवा पूजा में रत रहे थे और उसकी माता भोजन के लिए प्रातर आशय याचित कहते थे कि बेटा बहुत टाइम हो गया खाने प्रसाद लग गया चलो, लेकिन उद्धव जी न रचयन इच्छा ही नहीं होती थी उसको प्रसाद खाने की, क्योंकि उसको कृष्ण को देखने में, उसको सजाने में, उनको प्रणाम करने में, उनकी सेवा करने में इतना सुख मिलता था कि प्रसाद खाने भी नहीं जाते बचपन से ही उद्धव जी। और भी उसके विषय में वर्णन है, आप वहां पढ़ सकते हो तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंध के दूसरे अध्याय की शुरुआत। अब बताओ भोजन के लिए बुलाया जा रहा है, समय हो गया अति हो गया, फिर भी वो पूजा में सेवा में लगे। हम लोग तो महाप्रसाद गोविंद सुनते ही दौड़ते है भाई पकला जाए जहां जाना मन रहता ही नहीं। ऐसे कृष्ण में और उसके प्रसाद में अंतर नहीं, हम भक्त लोग समझ गए इसलिए शायद दौड़ते होंगे प्रसाद के लिए। लेकिन सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित ने भी तो ये कह दिया कि न बाधते सन्मा, मुझे ये भूख बाधा नहीं दे रही। 4 दिन बीत गए कथा सुनते हुए, लेकिन परीक्षित कहते पिबंतम तम मुखाम भोजन श्रुतम हरि कथाम बिताम। हे सुखदेव जी आपके मुख से मैं कथा सुन रहा हूँ तो मेरी प्यास मेरी भूख कहाँ चली गई मुझे पता नहीं, कोई भूख प्यास नहीं, कंटिन्यूस कथा सुन रहे। ये सब हमारे आचार्यों ने लिखा देखा। चैतन्य महाप्रभु भी राय रामान से गोदावरी तट पर मिले तो रात रात भर चर्चा होती और पूरी हो जाती नींद ही नहीं। तो ये तो शुद्ध प्रेम का लक्षण है जहां नींद भोग प्यास से चली जाती। हम तो अभी सिद्ध नहीं है, साधक भी नहीं है, अधूरे है, लेकिन हम ये सब सुनते हैं ताकि हम धीरे धीरे उत्साह के साथ आनंद के साथ उस लक्ष्य तक पहुंच सके। एनीवे उद्धव जी एकांतिना भक्त है कि प्रसाद के लिए बुलाने पर भी नहीं जाते और कृष्ण सेवा में लगे, बचपन में भी युवानी में भी और आगे चलकर पूरा उद्धव चरित्र कृष्ण प्रेम लीला सेवा में व्यग्र है, मस्त है, ये दिखाया गया। और दूसरा भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, सर्वात्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, तो सर्वव्यापक है। तो फिर उसको वहां उद्धव को संदेश देने भेजने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि भगवान तो सब जगह है, सबके हृदय में भी है, तो अंदर से ही प्रेरणा दे सकते हैं नंद यशोदा को या ब्रज गोपियों को। ऐसा भी हम लोग तर्क कर सकते हैं कि क्या जरूरत है उद्धव को कहने की जाओ ब्रज में और मेरा संदेश दो। अरे भाई सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में आप ही तो हो और सबकी सब जानते हो और किसी का भी दिमाग घुमा सकते हो आप, तो काहे को ये सब कर रहे हो। अगर मानो ऐसा तर्क उठाया जाए तार्किकों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा जो भी हो, तो भी इसका भी निराकरण हमारे संत आचार्य करते हैं कि भगवान भगवत्ता को भूले हुए लीला शक्ति के प्रभाव है ना,
योग माया के अधीन होकर, और गोपी प्रेम में माधुर्य रस में निमज्जित, माधुर्य सार रस विग्रह श्री माधव अपने को पूर्ण भुला दिए है सारी भगवत्ता सारी सर्वज्ञता लीला रस आस्वादन के लिए। और भगवान सोच रहे कि मैं इतना निष्ठुर हो गया हूं कि वादा किया था जाने का, जा नहीं पा रहा हूं, उसके अपने कारण है लेकिन जा तो नहीं पा रहा हूं, ये सत्य है। और अभी इतना टाइम हो गया तो किस मुंह से जाऊं मैं गोपियों के सामने किस मुंह से खड़ा रहूं जिन्होंने निस्वार्थ मुझसे प्रेम किया, मेरी संतुष्टि मेरी प्रसन्नता के लिए गोपियां बिकने को तैयार हो गई, लोक धर्म वेद धर्म सब तोड़ने को तैयार हो गई, ऐसी 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 ब्रज गोपियों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कैसे उनके सामने जाऊं, या फिर मेरी मैया उसको मैं कैसे मुंह दिखाऊं जिन्होंने मुझसे इतना बचपन में प्रेम किया। तो शर्म के मारे लज्जा के मारे कृष्णा करे तो भी क्या करे, ये दिशा है। और ऊपर से देवकी वसुदेव ने कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओ। आप सबको आवाज सुनाई दे रहा है कि बीच में रुक रहा है? हेलो किसी का खुद का नेट कम होगा तो उसको कम, मेरा जिसका नेट क्लियर है उसका आवाज क्लियर है ना, यहाँ नेट का सिग्नल पूरा है। ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर किसी को मतलब आवाज ये हो रहा है तो प्लीज होस्ट या दूसरे भक्त से निवेदन की जरा सा हमें इंट कर सकते हैं ताकि सब भक्तों को अच्छा से कर सकते। ओके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गुरु आज्ञा माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता। हाँ भगवान ये भी सोच रहे हैं कि वसुदेव देवकी ने इतने सालों बाद हमें पाया है तो प्रेम आज्ञा भी प्रदान किया है, और उधर मैं जा नहीं पा रहा हूँ इसलिए और कोई उपाय नहीं है, इसलिए प्यारे सखा दई सखा एकांति न प्रेष्ट भक्त उद्धव को भेजना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ठाकुर जी के पास। अच्छा नंद बाबा क्यों नहीं बुला रहे कृष्णा को कि भैया आ जाओ, तुम बोले थे किसी दूत को नंद भी तो भेज सकते हैं कृष्ण के पास मथुरा। तो कंस वध में उस रंगशाला में नंद बाबा थे और कंस को वध करके फिर देवकी वसुदेव को छुड़ा के उग्रसेन को राजा बना दिया ठाकुर जी ने, फिर नंद बाबा चले गए अपने गांव नंद गांव और कृष्ण ने विदा भी दिया, और कंस कृष्ण ने नंद बाबा को भी कहा था कि मैं आऊंगा आप लोगों को मिलने, देखना जाइए बाबा वहां ब्रज ब्रज में मैया अकेली है और बहुत संभालना है, तो ऐसे विदाई हुई थी। तो फिर उसके बाद तो कई महीने दिन बीत गए, तो नंद बाबा भी तो मैसेज भिजवा सकते हैं, एक प्रश्न ये भी हम कर सकते हैं भागवत चिंतन में, तो उसका भी एक सुंदर समन्वय संत लोग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि नंद बाबा आदि सोच रहे कि कन्हैया ने कंस को मारा तो शत्रु बढ़ा लिए, और सबसे बड़ा शत्रु कंस का ससुर एक नंबर का असुर जरासंध, तो वो तो चढ़ाई कर ही रहा था, तो यहाँ गांव में रहेगा नंद बाबा सोचे कन्हैया, तो यहाँ कोई सेना नहीं है कोई किला नहीं है और छोटा सा न कभी भी कन्हैया पर हानि हो सकती है, इसलिए अच्छा है मथुरा में रहे तो वहां पर आर्मी सेना होगी, वहां पर मथुरा फोर्ट है मतलब किला है सुरक्षा है सेना है तो कन्हैया वहां सेफ है, इसलिए शायद नंद बाबा भी कन्हैया को नहीं बुला रहे। वात्सल्य रस में कृष्ण चिंता स्वाभाविक है, ऐसे तो कृष्ण सबके पिता है लेकिन नंद बाबा वात्सल्य पिता भाव में कृष्ण की चिंता करते हैं, तो अंदर से वो पास बुलाना रहना चाहते लेकिन सेफ्टी सुरक्षा कृष्ण की वहां है ना, तो इस भाव से नंद बाबा भी तो नहीं बुला रहे कृष्ण को या नहीं मैसेज दे रहे कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, ये भी भाव स्वीकार्य है भक्तों का। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हाथों में हाथ लेके कह रहे हैं, आइए तीसरे श्लोक में, गच्छोद्धव व्रज सौम्या
पित्रो नो प्रीतिमावः गोपीना मद्वियोगादि मत्संदेशे विमोचय विशेष रूप से मोचन मुक्त कर दो मत संदेशे विमोचय गच्छोद्धव व्रज सौम्य हे सौम्य उद्धव जी को यहाँ श्री कृष्ण सौम्य कह के बुला रहे सोम चंद्रमा को कहते हैं और सोम अर्थात चंद्रमा मून गॉड और उनका जैसा स्वभाव जिसको प्राप्त हो वह सौम्य किसका किसका चालू है भाई जिसका भी माइक्रोफोन ऑफ है वो कृपा करके रक्तक प्राणदास प्रभु जी से निवेदन है कि अपना माइक्रोफोन ऑफ करे कृपा कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी रक्तक प्राणदास का माइक अनम्यूट कर दीजिए प्रभु जी या उसको कहिए खुद अनम्यूट करें समझ रहे उसमें आवाज आ रहा प्रभु जी हाँ जी बोलिए बेटर टू डू ऑल म्यूट हरे कृष्णा ओके पूरा ही निकाल दे इसको ओके थैंक यू हो गया उनका धन्यवाद थोड़ा सा सावधान होना चाहिए सभी वैष्णवों को कि हमारे कारण किसी अन्य भक्तों को कथा में विक्षेप ना हो ये भी वैष्णव सेवा है और नहीं ध्यान देना और विक्षेप करना ये भी एक सूक्ष्म वैष्णव अपराध कथा अपराध सावधान होना चाहिए सभी प्रेमी जनों को एनीवे कथा लिंक में विक्षेप हो जाता है सौम्य कहा कृष्ण ने उद्धव जी को सौम्य कहा तो हम सौम्य पर कुछ विचार दे रहे शास्त्रों से संतों से कि सोम चंद्रमा को कहते हैं और चंद्रमा का बेटा सौम्य या चंद्रमा जैसा जिनका स्वभाव है उसे टाइटल मिलता है सौम्य जैसे आप भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में पढ़ते होंगे एक बहुत सुंदर श्लोक वहां पर है कि 1:8 होगा शायद 1:8 वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वस्तत्तदनुग्रहात् रुयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत शौनक जी कह रहे हैं सुत गोस्वामी को निमिषारण्य में कि वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं हे सौम्य आप सब कुछ जानते क्योंकि आप स्निग्ध शिष्य है और स्निग्ध शिष्य को गुरु गुह्य से भी गुह्य बात बता देते स्निग्ध मतलब समर्पित शिष्य आज्ञाकारी गुरु अनुकूल जिनका स्वभाव जैसे कहते ना कृष्णानुशीलनम गुरु अनुशीलनम आनुकूल्यन गुरु अनुकूलन जस्य स्वभाव विचार वाणी व्यवहार सस्निग्ध और ऐसे तत्व से व्याख्या करे तो स्निग्ध कहते आद्र पदार्थ जैसे घृत है घृत घी है या तेल है वो चिकना होता है और जहां पर नीचा भागो वहीं पर वो बहता है नेचुरल स्वभाव से तो स्निग्धता इस तरह अपनापन झुकाव समर्पण वाले स्वभाव को स्निग्ध शिष्य कहते हैं हाँ आप समझते होंगे तो आप स्निग्ध शिष्य हो इसलिए व्यास जी ने जो कहीं नहीं बताया वो भी आपको बता दिया और इसलिए आप सब कुछ जानते हो और दूसरे आप सौम्य हो
सौम्य चंद्रमा को कहते हैं, जैसे यहाँ उद्धव जी को भी ठाकुर जी सौम्य कह रहे। और एक बात पर और ध्यान दीजिए भक्तों कि भगवान धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है ना, सत्य वदा सत्य व्रता सब कुछ है वो। तो उद्धव जी को मानो रिकमेंड कर दिया मतलब सिक्का लगा दी, भगवान तो ऑथोरिटी है ना, उन्होंने कहा कि तुम सौम्य हो, मतलब बात फिनिश हो गई, भगवान बोलते हो सत्य है, सत्य हो जाता है। तो चंद्रमा जैसे सबको अपनी शीतल चांदनी से सुख देता है, ऐसे हे उद्धव तुम्हारा प्रवचन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा वाणी विन्यास इतना अमृत जैसा मीठा होगा कि गोपियों के हृदय में, ब्रजवासियों के चित्त में जो मेरे वियोग का दुख है, मेरे विरह के लिए तुम्हारा प्रवचन, तुम्हारा वचन, ये तुम्हारे सौम्य मीठे मधुर मेरे विषय में ये वचन उनके लिए आनंद की वर्षा समान है। जैसे चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी फैला देता है और गर्मी में सूर्य के तप ताप से तप्त सारे जीवों को सुख देता है, ऐसे ही तुम उद्धव सौम्य हो और निश्चित तुम ब्रजवासियों को सुख दोगे। और दूसरा, चंद्रमा क्या करता है, सोमो भूत्वा रसात्मकम, जैसे गीता में कि सारे वनस्पतियों में रस संचार करता है, पोषण करता है सबका चंद्रमा, ऐसे हे उद्धव तुम भी वहां जाकर मेरे संबंध से जो विरह से जो व्याकुल है ब्रजवासी, उनको तुम पोषण करो, उसमें तुम प्रेम भक्ति रस का संचार करो। ये ठाकुर जी के सौम्य कहने का अर्थ आचार्यों ने बताया। खासकर सनातन गोस्वामी लिखते सौम्य शांत मूर्ति मनोज्ञेति वा तद्दर्शन मात्रेण च तथा प्रीति भवे इति भाव। हे उद्धव तुम्हारा दर्शन करके ही वो लोग प्रसन्न हो जाए, और ऊपर से तुम उसको प्रवचन दोगे, मेरा संदेश दोगे, तो वो लोग निश्चित सुख में होंगे। और तुम शांत मूर्ति हो, तुम्हारे पास वो कला है कि तुम हेजिटेट हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में और गुस्से में और आधा अधूरा नहीं बोलोगे, तुम विवेक से विनम्रता से पूर्ण रूप से संतोष करोगे, क्योंकि मनोज्ञेति वा, क्योंकि तुम सामने वाले का मन जानने वाले। देखो एक प्रवक्ता को, एक प्रचारक को जिसको प्रचार किया जा रहा है, उनके मन को जानना बहुत जरूरी होता है कि वो क्या चाहता है, उनकी स्थिति क्या है, मनस्थिति, उसी अनुसार उसमें कृष्ण प्रेम या ज्ञान भरा जाएगा ना। जैसे हम कहें कि शिक्षक परीक्षा लेता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए लड़का कौन से स्टैंडर्ड का है, दसवीं में है कि नौवीं, उसी अनुसार पेपर दिया जाएगा ना। इस तरह उद्धव के ये सब सद्गुण प्रस्तुत किए जा रहे हैं सौम्य विशेषण देकर कि तुम निश्चित कथामृत की वर्षा करके गोपियों के विरह ताप को मिटा दोगे। तो श्रीपाद हरिसूरी जी पर इस पर एक टीका लिखते हैं कि सोम चंद्र को कहते हैं चंद्रवत शीतलम, तो विरह ताप से मुक्त कर दोगे, और चंद्रवत पोषण, चंद्र के अनुसार तुम पोषण करोगे अर्थात रस का संचार करके सारे ब्रजवासियों को तुम निश्चित सुख दोगे, अर्थात तुम आनंद की चांदनी बिछा दोगे। अच्छा, मुख्य संदेश किसको देना है, तो देखो यहाँ पर कहते हैं गच्छम, तुम जाओ उद्धव, और कहाँ जाओ, ब्रजम, ब्रजति इति ब्रज, जहां गोप गाय गोपी ग्वाल का समुदाय है उसे ब्रज कहते हैं। तो तुम ब्रज में गच्छ, ब्रज में जाओ, और खास करके व्रज में जाकर पहले किसको मिलना, पित्रो नौ प्रीति वाहन आवहन, पित्रो मतलब मेरे माता पिता को अर्थात नंद यशोदा को, न मतलब हमारे, बहुवचन में जीव गोस्वामी न अर्थ स्वीकार करते, न मतलब अस्माकम हमारे, और नौ अर्थ भी वल्लभाचार्य ने स्वीकार किया, लेकिन न मतलब हमारे, मतलब मेरे पिता माता, और हमारे कहने का तो दाऊ दादा के भी जो यहाँ है, और न मतलब हमारे मतलब तुम्हारे भी, उद्धव जी तुम्हारे भी, आप कहोगे हमारे कहने सबके पिता थोड़ी है नंद बाबा,
मेरे माता पिता कहना चाहिए, लेकिन मम कितना कहकर न अस्माकम हमारे पिता, तो एक तो एक आदर्श पूर्वक वचन है कि हमारे कहना बहुवचन में, लेकिन इसके अंदर एक भाव यह भी है कि नंद बाबा सबके पिता है, क्योंकि मैं सबका पिता हूँ, पिता माँ से, और वो मेरे पिता है, तो मतलब सबके, मैं सबका पिता और मेरे पिता नंद है, तो सबके पिता ऑटोमेटिक नंद बाबा हो गए। और इसको तत्व से अगर समझाना हो आप लोगों को किसी को, तो देखो कृष्ण का पालन पोषण रक्षण पिता धर्म नंद बाबा ने किया, और तभी तो कृष्ण कंस को मारे, क्योंकि पालन पोषण बड़े किए तो मारे, और कंस को मारे तो फिर यज्ञ की रक्षा हो गई, गायों की रक्षा हो गई, ब्राह्मणों की रक्षा हो गई, जो जगत में सबकी रक्षा करते, गाय ब्राह्मण वेद सब, और कंस को मारकर भगवान ने उन सबकी रक्षा कर। तो इस तरह भी नंद बाबा कृष्ण के पिता होने के कारण सबके पिता है, क्योंकि कृष्ण ने सबकी रक्षा की, तो कृष्ण की रक्षा तो नंद बाबा ने की। आप कहोगे कहां पर की प्रभु जी, अब लीला में आप लीला सुन रहे हो ना, तत्व से भी लीला में उसका प्रमाणित प्रमाण पे आना पड़ेगा। जैसे दामोदर लीला में बांध दिया था तो नंद बाबा ने तो छुड़ाया था कन्हैया को, दामोदर लीला आपने सुनी होगी भक्तों ने, तो नंद बाबा, क्योंकि और तो कोई खोल नहीं सकता कन्हैया का बंधन, लेकिन नंद बाबा ने आकर खोल दिया था, और पूरे ब्रज में भगवान के पीछे पीछे नंद बाबा घूमते थे, मैया भागते थे तो उनके पीछे, और कभी कभी कृष्ण भी नंद बाबा के पीछे पीछे पूरे गोकुल में घूमते थे, पादुका के लिए भगवान को बुलाया जाता, पादुका लेके आओ, तो भगवान आते थे, फिर कहते थे मैं साथ चलूंगा नंद बाबा। तो ऐसी लीलाओं में कई जगह ये बात आई है, जैसे आप लोग वो भजन गाते हो ना भोग आरती, नंदेर निर्देश वैसे गिरिवर धारी, बलदेव सहस था वैसे सारी सारी, भज भक्त वत्सल श्री गौर। यहाँ तक उंगलिया पकड़ पकड़ के पूरे विश्व को चलाने वाले भगवान को नंद बाबा अपने आंगन में उंगलियां पकड़ के चलना सिखाए, लीला तो यही है, और भगवान की लीला नित्य भी है और सत्य भी है। तो नंद बाबा ने पालन पोषण किया है, ये तो प्रसिद्ध है, और भगवान कह रहे कि पहला संदेश उनको दे, प्रीति मावहन, प्रीति मतलब उनको प्रसन्न करो, उनको संतुष्ट करो, उनको तृप्त करो, ये कहने का तात्पर्य। और आवन मतलब कैसे भी बला, कैसे भी तुम नंद बाबा को, मेरे माता पिता को प्रसन्न करो, तृप्त करो, संतुष्ट करो, ये कहने का भाव है। क्योंकि नंद बाबा की भी बड़ी याद आ रही, इस पर अनेक आचार्यों ने अपने भाषा में पद लिखे हैं, जैसे जगन्नाथ रत्नाकर जी लिखते हैं कि नंद ओ जसो मापी के प्रेम भरे लाल न की, लाड भरे लाल न की लाल चल जावती। हे उद्धव, मुझे मेरे नंद बाबा बहुत याद है, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, वो मेरी चिंता करते, मैं कहीं जाता था तो गैया चराने तो कई किलोमीटर दूर दूर तक मेरे पीछे पीछे आते थे कि कन्हैया ठीक है ना, कोई कुछ तकलीफ तो नहीं है। सुधी ब्रज वासी ना की, दिवैया सुख राशि ना की, उधोनित हम को बुलावा ना को आवती। वही याद, वही सुधी मुझे आज भी याद। और रही बात यशोदा मैया की, उनका तो मैं क्या कहूँ, जन्म जन्म पर ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन कहना माँ यशोदा को कि जब से मैं को आया हूं ना, सुबह में नाश्ता नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ मुझे खिलाती थी सुबह सुबह, गैया चराने से भेजने से पहले खिलाती थी, कलेवा कराती थी, और साथ में टिफिन बॉक्स भी दे देती, और कई बार हमको सलाह देती थी दाऊ दादा को भी, देखो कन्हैया को खिलाते रहे, भूखा ना रह जाएगा। और जब से ब्रज छोड़ा है हे उद्धव, तब से मैंने सुबह में ठीक से नाश्ता, क्योंकि मेरी माता यशोदा का ब्रेकफास्ट जिसको ब्रज भाषा में कलेवा कहते हैं,
और मैं नाश्ता करके टिफिन लेके निकला हूँ और फिर भी माँ यशोदा दूर तक आती थी और चिल्लाती थी, ए कनुआ, मतलब माँ यशोदा कहती थी कनुआ या कन्हैया। हम लोग योगेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर कहते हैं ना गोविंद, लेकिन माँ यशोदा तो वात्सल्य रस की मूर्ति है, वो कहती थी ए कनुआ। और कनुआ तो ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो मस्ती में है बच्चों अपने साक्ष्य रस में, तो कहती है बलवा, मतलब बलवा बड़ा मतलब बलवान, बलराम तो सुनेगा, ए बलवा तू कनुआ को कलेवा खिलाते रहना। तो बलराम कहती थे हाँ मैया तुम चिंता मत करो, ये सबका बाप है, मैं इसको क्या खिलाऊ, पूरे जगत को ये खिलाता है, लेकिन तुम कहती हो मैं खिला दूंगा। तो ये याद आता है कृष्ण को कि कब हो न प्राप्त कियो कलेवा, सुरदास जी ने लिखा कि कभी मैं सुबह नाश्ता, और मुझे याद आती है वो गैया के दूध की धार, जब मैं खुद, क्योंकि भगवान गोपाल है ना, तो गैया खुद दोहते थे और सीधा डायरेक्ट मुंह में दूध पे, मथुरा में वो कहाँ मिलेगा। तो भगवान कहते कि ये संदेश देना, और खासकर मेरी बंसी मुझे बहुत याद है, मत ले जाए चुराय राधिका कछु का खिलो ना मेरो। और यशोदा मैया से कहना हे उद्धव कि राधा रानी को मेरी बंसी चुराने की बड़ी बुरी आदत है, और बंसी में वहां छोड़ आया तो कहीं राधिका चुरा न ले, इसलिए मैया को कहना संभाल के रखे मेरी। तो इस तरह हमारे अन्य आचार्यों ने, रसिकों ने उद्धव जी को कृष्ण ने क्या संज्ञा, तो सुखदेव जी तो सार लिख दिए, कृष्ण ने उद्धव को कहा कि व्रज में जाओ और माता पिता को प्रेम का संदेश दो, लेकिन कैसा संदेश, ये सब भजनों में आचार्यों की वाणी से हमें प्राप्त होता है कि कृष्ण ने ऐसा ऐसा कहा था नंद बाबा से और कहने को लिए उद्धव को। तो और बहुत बातें हैं, देखो नंद बाबा ऐसे तो वात्सल्य प्रेम की मूर्ति है, और चिंता तो वात्सल्य प्रेम हो वहां रहती ही है ना, स्वाभाविक है, लेकिन खास करके गोपियों का देखो, दूसरा अभी श्लोक में क्या लिखा है, गोपी नाम वद मद वियोगा मत संदेशे विमोचय। और खासकर उद्धव गोपियों को जो मेरे वियोग की आदि में, आदि मतलब मन की चिंता, जिसके मन में मेरे वियोग की चिंता किसको है, बोले गोपी ना गोपियों को। तो गोपी मतलब क्या, देखो शब्द पर ध्यान, गोपी मतलब ब्रज की सुंदरी या ललिता विशाखा राधा आदित्य, ओके, लेकिन गोपी शब्द दिया है तो इसका श्लेषक सुनना पड़ेगा ना, कि जो कृष्ण प्रेम का गोपन करती, गोप अर्थानाम इति गोपीना, जो अपने अंदर छुपे हुए प्रेम को, रस को, समर्पण को, कृष्ण के प्रति रोम रोम प्राण तक समर्पित है अपने प्रियतम कृष्ण को, लेकिन किसी को पता न चले, वो हृदय में रखती है और उसमें उसी प्राण प्रियतम का उसके मन में वियोग है, ये गोपी का दुख है जो किसी को पता नहीं। जैसे नंद बाबा यशोदा का दुख तो दुनिया देखती थी, क्योंकि नंद बाबा रोते थे, यशोदा रोती थी, चिल्लाती थी मेरा कन्हैया कोई तो मुझे बुला दो, लेकिन गोपी तो रो भी नहीं सकती, चिल्ला भी नहीं सकती। और नंद यशोदा कृष्ण प्रेम में रोते थे तो सबको पता है, कोई मेरे कन्हैया को लेके आओ, कहाँ गया मेरा कन्हैया, मुझे जिया नहीं जाता, इस तरह यशोदा नंद बोल सकते, बोलते थे, लेकिन गोपियां उनको तो ये भी समझ, और नंद यशोदा खाए नहीं, काम ना हो कोई बात नहीं, लेकिन गोपियों को पति की सेवा, ससुर सेवा, घर के काम सब करना है, और जहां बिल्कुल मन नहीं है उनके साथ रहना करना है, और जिसके लिए पूर्ण जीवन प्राण समर्पित है उस कन्हैया का मिलन नहीं, दर्शन नहीं, और ऊपर से किसी को कह भी नहीं सकते, ये तो गोपी ही समझ सकती है कि गोपी की क्या है, और गोपी के दिल में रहने वाले गोपाल समझ सकते हैं कि वास्तविक व्यथा क्या है। और हे उद्धव तुम जाके मेरे मत संदेश, मत संदेश के भी कई अर्थ है, मेरे विषय में संदेश सुना, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, ताकि उनकी शांति मिले, लेकिन मत संदेश का एक गौण अर्थ, ये तो गौण अर्थ है कि मेरे विषय में सुना,
लेकिन मत मतलब मैंने जो कहा वही सुनना, तुम अपनी टुकटुकी मत बजाना कुछ, एज इट इज प्रभु एज इट इज सुनाना जो मैं कह रहा हूँ। तुम अपनी बुद्धि, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य हो तो अपनी मत, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि से नंद यशोदा प्रसन्न हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जहां मेरी प्राण जीवन धन मानने वाली और कृष्ण प्रेम को हृदय में छुपाने वाली ब्रज वनिता गोपियों की जहां बात है, वहां उद्धव तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा संदेश, तुम्हारा शास्त्र काम में नहीं आएगा और तुम उनको सुखी कर भी नहीं सकते। तुम केवल देखो जैसे नंद बाबा को प्रसन्न करो लेकिन गोपियों का दुख दूर करो, ये कहा। देखो दुख दूर करना और सुखी करना इसमें अंतर है। जो दुख आया है वो चला जाए तो दुख दूर हुआ, लेकिन सुख की कुछ अलग वस्तु होती है जो देनी होती। दुख दूर हो जाए मतलब वो तो न्यूटन में आ गए, सुखी होना एक अलग वस्तु। तो सुखी करना तो तुम्हारी औकात कोई नहीं कर सकता मेरे अल्लाह, लेकिन कम से कम जो मेरे विरह में उसके मन में जो आदि है चिंता है वो दुख तुम दूर करना, इतना ही तुम कर सकते हो। कहने का तात्पर्य तुम्हारा लेवल भी यही है कि तुम, मुझे आशा है कि तुम वो कर पाओगे। तो सुखी तो नहीं कर पाएगा लेकिन दुख मिटाना तुम कर सकते हो। और गोपी गोपनशीला है तो क्या कहना। और नंद यशोदा को समझाना तो कोई बड़ी बात है, प्रीति पित्रो नो जो शब्द दिया कि मेरे माता पिता को आवाहन मतलब बलात् समझाना, क्योंकि नंद बाबा बुद्धिमान है और वात्सल्य रस में तो समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे तो देखो, नंद बाबा भले कृष्ण से मिलना चाहते, पास रखना चाहते, उनको देखना चाहते, उनके बिना उनको चैन नहीं, ओके, लेकिन फिर भी उसको रिलैक्स है दिल में। क्यों? क्योंकि माता पिता बच्चे का योगक्षेम चाहते है ना, वात्सल्य रस में, कि वो सुखी रहे, वो सुरक्षित रहे और ऊपर से उसका यश बढ़े तो और खुश होते। तो मानो नंद यशोदा को तुम कह सकते हो कि देखो कृष्ण ने तो वहां यह बड़ा पद मिला हुआ है, उनके आगे पीछे तो लाखों लोग घूमते हैं, अब तो पढ़ लिख भी, यहाँ तो गया चरा रहा है कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अब तो पढ़ लिख गया सांदीपनी के यहाँ, 64 कला 64 विद्या गुरु हो गया है कि नहीं, ऊपर से बड़ा पद, मंत्री संतरी सब उसको दंडवत मारते, पर लाखों चाह के मथुरा में फैन बन गए सब उनके कृष्ण के। तो बेटा को राज्य मिला, पद मिला, पैसा मिला, विद्या मिली और उनके कई फॉलोअर मिले, तो माता पिता खुश होते हैं ना कि चलो भाई हमारा बेटा विदेश में है, सुखी है, कमा रहा है। तो गांव में माता पिता खुश, भले उनको उनका विरह तो होता है लेकिन अंदर से वो खुश होते हैं कि भाई उनके लिए तो वो खुश तो हम खुश। तो इस तरह नंद यशोदा को तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जहां ब्रज वनिताओं की, ब्रज गोपी जनों की बात है, जो मेरे वियोग में मन आदि आदि मतलब मन की चिंता और वो स्थूल उपाधि, एक तो शरीर की जो चिंता है रोग है वो स्थूल उपाधि, लेकिन मन की चिंता ये सूक्ष्म उपाधि जो दिख नहीं रही है किसी को, वो तो मन में ही मन गोपी समझ रही है। और इसको समझाना गोपी, देखिए उद्धव ट्राई भी किए, आप लोग अगर ये प्रसंग वैष्णव से सुने होंगे तो सुना होगा, संत वाणी के पद है जैसे सूरदास जी ने लिखा है, गोपी कहते उदो मन न भये दस बीस, हमारे पास एक ही मन है, 25-50 मन नहीं है, एक हो तो गयो श्याम संग को आराधे दुजोरी। अब एक ही मन था और वो कृष्ण ने को दे दिया, कृष्ण ले गया, तो फिर हम दूसरे ब्रह्म को, योग को, दूसरे ईश्वर को, दूसरे अपरा क्या कहते हैं आराधना जानती। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है गोपियों की ओर से, वो उद्धव जी को जवाब देते हुए कहती है, कल्पना के कुपते प्यास ना बुझेगी उधो, धुआं के से तू चढ़ी पार की नी पाई है। हे उद्धव तुम सुना रहे हो कि जिसका तुम रो क्यों रही हो गोपिया, चिंतन करो, वो सबके मन में है, सबके हृदय में है, वो परमात्मा रूप में यत्र तत्र सर्वत्र है, और तुम एक ही हाथ रिक्त है गोविंद रो रही हो, हर फूट उठते तो
देखो गोपिया क्या जवाब देती है, बड़ा प्यारा सा सुंदर जवाब है। अपना माइक्रोफोन आप सभी गलती से म्यूट न रखे, अनम्यूट कर दे उसको कृपा करके। जो भी भक्त कथा सुन रहे हैं सुने, बोले नहीं, और कुछ बोलना होता है घर में तो अपना माइक्रोफोन कहीं गलती से ऑन ऑफ होता रहता है, तो ध्यान से ऑफ क्रिया करे। ओके, तो देखिए कल्पनाते कूपते, मतलब जैसे कल्पना मतलब केवल मेंटली थॉट कल्पना करते ना, इमेज इमेजिनेशन जैसे करते हैं कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, उससे चलने वाला तो कोई कल्पना के कूप बनाए कि मन में सपने में सोचे कि मैंने 120 फुट डीप कूप निकला, चलो सब पियो, तो क्या सपने में खोदे हुए कुएं से किसी की प्यास बुझ सकती है? कल्पना के कूपते प्यास न बुझेगी उधो। और आकाश में हम देखते बहुत सारे बादल होते हैं, धुएं उड़ते हैं ना, धुआं, तो धुआं के सेतु चढ़ी पार की नहीं पाई है क्या? धुआं के ऊपर चल के कोई कोई पार गया आज तक? देखो जो प्रत्यक्षता ही, हमने जिसको प्रत्यक्ष देखा है और तुम कहते कि योग करो ध्यान में देखो उसको, अरे इन नैनों से हमने उसको प्रत्यक्ष नाचते गाते मुरली बजाते हमने देखा है। देखो जो प्रत्यक्षता ही, ध्यान करी देखे कहां, चित्र की नदी करे कि धान की सिंचाई है। मान लीजिए पेंटिंग में कोई नदी बना दे, पेंट कर दे, तो क्या उससे उससे फसल उग जाएगी? देखो गोपी, कोई कहता है गोपी अनपढ़ है, सबकी गुरु है गोपी, जो बोलती है ना वो वेदों का भी सार होता है क्योंकि वो प्रेम के वचन बोले। चित्र की नदी करे कि धान की सिंचाई, जब फसल उगाना हो तो पेंट में नदी पेंट करके भी कह सकते चलो तुम्हें पानी ले लो धान जाएगा। तुम्हारी बात ऐसी दूध की सी शुद्ध बुद्धि, हमारी मति कृष्ण के प्रति दूध जैसी शुद्ध है, ताके भी रुद्ध उधो। और हे उधो, तुम उससे विरुद्ध बात कर रहे हो, डारे मति वृथा योग की खटाई है। जैसे दूध में कोई खटा दही डाल दे, जामुन डाल दे, तो पूरा दूध विकार बिगड़ जाता है, दही हो जाता। तो हमारे दूध जैसा शुद्ध कृष्ण प्रेम है और उसमें तुम ध्यान योग ये सब खट्टा दही डाल के हमारा विकार उत्पन्न कर रहे हो, तुम निकलो यहाँ से। तो इस तरह मतलब आगे ये सब बात आएगी जब गोपियों से भगवान भ्रमर की उद्धव जी बात करेंगे तब, और इस पर ये आचार्यों की बात। तो यहाँ पर हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि भगवान कह रहे हैं, देखो मानो उद्धव जी कहे कि ओके ओके कृष्ण मुझे समझ में आ गया, मैं देख लूंगा गोपियों को और समझा दूंगा, मेरे पास शास्त्रों का ज्ञान है और बहुत सारी विवेक विनम्रता है जैसे पहले गुण बताए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते सुनो, तुम अपनी बुद्धि मत लगा, अपनी कोई शास्त्र बात मत करना। तो बोले मत संदेश, मैंने जो तुमको संदेश दिया है वही देना, तभी उनका दुख दूर हो सकता है, तुम्हारे प्रवचन से तो उनका सर दर्द और बढ़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे गोपी ना मत वियोग, गोपियों को मेरा वियोग और मेरे वियोग के लिए मेरा प्रवचन मेरा प्रेम संदेश ही लागू हो, तो मैं जो संदेश दे रहा हूं वो तुम देना, नहीं तो फिर सर दर्द हो जाएगा। और उद्धव जी का हुआ भी है ये वर्णन आया। Anyway, और दूसरी बात कह रहे चलो उद्धव ने कहा ओके ओके कृष्णा अंडरस्टैंड, समझ गया तुम्हारी बात और मैं गोपियों को तुम्हारा ही संदेश दूंगा। तब भगवान कहते देखो संदेश बहुवचन में, मत संदेश विमोचयन, मेरा संदेशा मतलब एक एक गोपी के लिए एक एक संदेश था, हमको लिखो है कहा हमको लिखो है। भगवान कह रहे हैं कि बहुवचन में मैं एक संदेश नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारा संदेश के हाथ पकड़ के उद्धव जी को ये श्लोक बता रहे हैं कि एक एक गोपी के लिए एक एक संदेश कृष्ण का था कि मैं संदेश दे रहा हूँ और इस संदेश से काम बनने वाला है नहीं उद्धव महाराज, इसलिए सुनो तुम पहले ध्यान से। और मानो इस प्रसंग से हम भी सीखते हैं कि जब वैष्णव सीनियर गुरुजन हमें कोई आदेश देते निर्देश सेवा देते तो पहले ध्यान से समझ लेना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए ताकि सेवा अपराध ना हो और हम गुरु को संतुष्ट कर सके।
ताकि कृपा के पात्र बन, नहीं तो आधा अधूरा समझ के अपने मन का करेंगे ना, उत्पटान हो जाता है और सब परेशानी बढ़ जाती है, प्राय कनिष्ठ भक्तों में देखा जाता है। इसीलिए ये सब प्रसंग से हम इस तरह मैसेज, लेकिन वो मैसेज बड़ा लो हो जाएगा, लेकिन हम लोग लो स्टैंडर्ड में है तो देना करना पड़ता है। यहाँ तो बड़ी ऊंची चर्चा हो रही है कृष्ण और उद्धव की, लेकिन हम लोग अपने स्टैंडर्ड से भी कुछ मैसेज ले सकते हैं। एनीवे यहाँ पर तो भगवान कह रहे थे, मैंने जो तुमको मत संदेशे, मतलब एक एक गोपी के लिए एक एक संदेश तुम सुन लो ध्यान से और उसको कहना। क्यों? क्योंकि व्रजवासी गोपियां मेरी प्रेमिका, और प्रेमिका जब बाह्य वियोग होता है ना तो अंतर संग अधिक हो जाता है। प्रेमी से शरीर से जब वियोग होता है तो मन में संग अधिक हो जाता है और उसका दुख मन का। तो मानो उद्धव जी एक प्रश्न करे थे, हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, आप इतना गोपियों का संदेश देने के लिए हमको सीरियस बता रहे हो, तो गोपी में ऐसी क्या विशेषता जो आप हमको इतना क्लियर कर रहे हो, इतना क्या कहते हैं ध्यान पूर्वक हमको बता रहे हो सब। तब भगवान कृष्ण स्वयं अपने श्री मुख से गोपियों के महिमा गुण गा रहे हैं। चौथा श्लोक, तान मनस्का, तान मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्यहम् मयिताम् प्रेयसा पृष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिये स्मरन्त्यो अन्ध विमुह्यन्ति विरक्तञ्चैहवला। धारयन् यति कृच्छेण प्राय प्राणान् तथश्चन प्रत्यागमन संदेशे बलव्यो मे मदात्मिका। देखो भगवान सुंदर बात कह रहे, तान मन मनस्का, वे गोपिया उद्धव अपने मन को मुझ में लगा चुके, मतलब उसका मन मुझ में ही लगा रहे, एक क्षण भी कभी मेरा चित्रण चिंतन चुकती नहीं। देखो ये शब्द आप भक्तों के लिए नया नहीं, आप गीता पढ़ते हो, भगवान अर्जुन को कहते मन मना भव, मई मन यस्य एव भव, है ना, तो तुम्हारा मन मुझ में लगा। इसका अर्थ है कि अर्जुन का मन भगवान के अलावा कहीं और भी लगा था अन्य विषयों में, तो भगवान कहते अर्जुन मन मना भव। अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं कि तुम्हारा मन मुझ में लगा, तो हमें तो साधना बताई जा रही और शिक्षा दे रहे, लेकिन यहाँ भगवान गोपियों के विषय में क्या कह रहे, इनका मन तो मुझ में लगा हुआ है। फर्क है अर्जुन और गोपियों, उनको कह रहे मन लगाओ, मतलब नहीं लगाओ, बेवर लगा हुआ है तुम्हारा, लेकिन इनका तो भगवान प्रमाण कर रहे हैं कि उन गोपियों का मन तो ऑलरेडी मुझ में ही लगा हुआ है और मुझ में ही लगा हुआ रहता है, भूतकाल में भी और वर्तमान। ये गोपियों की मनस्थिति, और भगवान कहते तान मन मनस्का, उसका मन तो मुझे में लगा, अर्थात मई मनो यासाम ता मन मनस्का, जिसका मन मुझ में ही लगा हो उसको कहते मन मनस्का। ध्यान से सुनिए सभी पद, मन मनस्का पर चर्चा हो रही है, ये बड़ी दुर्लभ है इस तरह का भागवत के शब्दों के अर्थों का आस्वादन। ता मन मनस्का, उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है, मई मनो यासाम ता मन मनस्का, लेकिन उसका दूसरा अर्थ क्या होगा, मम मनो यासु ता मन मनस्का, मेरा मन भी उसी में लगा हुआ, ये छुपा हुआ अर्थ है। ता मन मनस्का मतलब उनका मन मुझ में लगा है, तो मानो उद्धव पूछे उनका लगा है आपका, बोले मेरा भी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्यहम्।
मम मनो यासुमता, मन मन मेरा मन भी उसमें लगा हुआ। और एक आचार्य तो बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं ता मन मनस्का का, वो कहते हैं कि अहम एव मनो यासाम ता मन मनस, उद्धव में तुमको क्या कहूं, मेरा मन उसमें लगा है या उसका मन मुझ में लगा, ये बात ही छोड़ दो। इससे भी ऊपर की बात यह है, अहम एव यस्यम, मैं ही उनका मन बन चुका हूं, उनका मन कोई अलग वस्तु है ही नहीं। इसलिए तो आप लोग अगर राजपंचायी अध्याय किसी वैष्णव विद्वान से सुने होंगे तो उसमें ये व्याख्या है, मनश्चक्रे योग माया मनश्चक्रे, तो भगवान ने मन किया तो मन तो भगवान का, भगवान के पास था ही, इसलिए योग माया से लिया, योग माया इति राधा। ये सब बड़ा गहरा अर्थ आचार्य लोग ले जाते, वो विषय नहीं है हमारा, लेकिन यहाँ पर अहम एवं मनो जासाम तामन मनस्का, मैं ही उनका मन, मतलब उनका मन और मैं अब अलग, जैसे हमारे वो ब्रज भाषा के कवि ने लिखा ना, कान भय प्राणमय, प्राण भय कानमय, हिये में न जानी है कि प्राण है कि कान है। मेरा हिया मतलब मेरा मन कृष्णमय हो गया और कृष्ण मेरा मन हो गया, जैसे चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में कहते हैं मोर मन वृंदावन, अब चैतन्य चरितामृत में भी है, और वहां पद जो है कृष्ण के चरण कमल ही उभरे रहते, तो बड़ा प्यारा पद है, कान भय प्राणमय, प्राण भय कानमय, हिये में ना जानी है कि प्राण है कि, हृदय में प्राण है, हृदय है कि कृष्ण है, क्योंकि एक हो गए। तो ये कहते ता मन मनस्का, और क्यों, क्योंकि उसको कृष्ण को देखा है, उसके साथ लीला की है, इसलिए गोपियों के मन में तो यही लगा रहता है। हाँ, मन मनस्का मत प्राणा, वही मेरे मुझे ही अपना प्राण मानती है। जैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु गंभीर आने शिक्षाष्टक के अंतिम श्लोक का परिभाषा, कृष्ण मोर जीवन कृष्ण मोर प्राण धन कृष्ण मोर प्राणी प्राण, हृदय ऊपर धरो सेवा करी सुखी करो, मोर रहे सदा यही ध्यान। विश्वाध्याय मत प्राणनाथस्तु सैव नापर, उसकी व्याख्या में स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस बात को कह रहे, मत प्राण, उसका प्राण मैं हूं, मेरे प्राण उसके प्राणों में अब अंतर नहीं था। और मदर से चित्त देही का, और मेरे कारण मेरी खुशी के लिए अपना देह, देही का शब्द का अर्थ है अपना शरीर प्राण मन आत्मा, और देही का अर्थ है उसके माता पिता पुत्र बंधु सब कुछ छोड़ने को तैयार है। दैया तजो मैया तजो बाप और भैया तजो कन्हैया नहीं तजियो, लेकिन कुछ भी हो जाए सखी कन्हैया नहीं छोड़ सकती ना, ये सब ब्रज के सवैयाओं में संतों ने गाया। तो यहाँ कहते हैं मदर के त्यक्त देही का, और इस बात को तो भगवान ने भी प्रमाणित किया है राजपंचायत अध्याय, है ना, भगवान खुद कहते हैं एवं मदर्थो जित लोक वेदा स्वाहा स्वानाहीनो मयु अनुवृत्ते वृत्ते बला, श्लोक है भागवत 10:32-21। भगवान कहते हैं मया परोक्षम भजताम तिरोहितम सा मासुयितुम सारततम प्रियम प्रिया, और इसलिए भगवान कहते हैं मैं उनका ऋणी हूं, न पारये हम निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा। आप राजपंचायती पढ़ लेना, और सुखदेव बाबा भी तो इसको स्वीकार किए। जो बात यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि मत तामन मनस का मत प्राणा मदर थे क्यक्त देहिता, इसी बात को सुखदेव जी ने भी वहां कह दिया, तन मनस का मद आलापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणाने वगायन्तो नात्मगाराणि सस्मरु। 44 वहां भी पंचायती में आया है, तो ये सब सुखदेव जी भी कहे, कृष्ण भी इस बात को वहां गोपियों के सामने कहे,
उसी बात को यहाँ उद्धव को प्रमाणित कर रहे हैं कि मेरे लिए कुछ भी छोड़ सकती है। जैसे हमने कल कहा था कपिल भगवान का स्वरूप लक्षण भक्त का वो कहते हैं त्यक्त्वा सजन बांधवा मत कृते त्यक्त कर्माणि त्यक्त्वा सजन बांधवा। ये भक्त का बड़ा ऊंचा हृदय का अवस्था है कि कृष्ण के लिए सब कुछ तिलांजलि देने को तैयार हो जाती है। ये तो व्रज गोपियों का स्वरूप है, स्वभाव है उनका, ये निष्कलंक विशुद्ध प्रेम है जिसको भगवान उद्धव के सामने कह रहे माम एव दैत पृष्ठ आत्मा नम मनसा गता माम एव, वो मुझे ही अपना प्राण जीवन धन पृष्ठ प्रियतम मानती। माम एव शब्द पर एक आचार्य लिखते हैं कि माम एव मुझ नंद नंदन में ही, न तू परमात्मा न तू नारायणी, ना परमात्मा में नहीं चतुर्भुज नारायण में नहीं, माम एव माम मम नंद नंदन स्वरूपे ही प्रियतमं भाव अस्ति, जिनका मुझ नंद नंदन में ही प्राण जीवन धन भाव है उसका, न कि परमात्मा में या मेरे अंश विलास आदि मूर्तियों में। मामेव शब्द दिया गया मामेव, और तान विभर्मि अहम, और मैं उनको धारण करता हूं। क्यों? क्योंकि अहम ब्रह्मा अपि ध्येयो, ब्रह्मा भी जो मेरा ध्यान करते हैं, शंकर आदि मेरे चरणों में दंडवत करते हैं, सर्व अंतर्यामी अहम सबके हृदय में मैं वास करता हूं, लेकिन मैं खुद तन चिंतयामि, मैं उनका ध्यान करता हूं, मैं उनका चिंतन, मेरा चिंतन सब करते हैं, मैं उनका करता हूं। तो ये भगवान का कहना है कि मैं उसका चिंतन करना, इसी अर्थ ये अर्थ होता है। तो भगवान के तान विवर मन सागता त्यक्त लोका, मेरे लिए सब कुछ छोड़िए तो मैं भी उनके लिए सब कुछ छोड़ता हूं। तो इस तरह भगवान प्रीति निभाते हैं, और इस पर बहुत बातें हो सकती है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए आगे के प्रश्न को कल सुनेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा है बस सुनते ही जाए, इतना रस है इसमें, आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा भी सकते हैं इसका। नहीं थैंक यू, कुछ कल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 5-7 10 परिवार ऐसे ही। भागवत तो क्या कहते हैं, ज्ञान का प्रेम का भक्ति का समुद्र है, अंत नहीं है। जितना समय जितनी हमारी बुद्धि और जितना हमने आचार्यों का सुना पढ़ा याद आता है उतना बोलते हैं, और आप भक्त लोग हैं तो मुझे आशा है कि सच कुछ गलती होगी तो क्षमा करेंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, हमारी गलतियों को क्षमा करना आप। प्रभु जी मैं ये जो आपने बीच में बताया गोपियों का, जैसे गोपियों ने कहा कल्पना के कूप से प्यास बुझे नहीं, और धान का जो खेत है वो नदी के चित्र से नहीं सींचा, ये सब कहाँ लिखा है प्रभु जी? भागवत में नहीं है? नहीं भागवत में नहीं है, ये सब जो है वो आचार्य ऋषियों की ब्रजवासियों की कविताएं है जो गोपी भाव को प्रमाणित करती है। तो अभी उनके लिए 2-3 कवि, जैसे चैतन्य महाप्रभु विद्यापति की कविता सुनते थे, चंडीदास की कविता सुनते थे, हाँ जो बंगला में है, तो उनने ये सब भाव दिए। इसी तरह जगन्नाथ रत्नाकर हुए, जैसे रसखान हुए, और ऐसे ही ब्रज वृंदावन में भी अन्य अन्य ब्रज रसिक कवि थे, कवि हुए जो माधुर्य रस में थे, कवि मतलब वैष्णव भक्त जिन्होंने भगवान को देखा, जैसे बिल्व मंगल ठाकुर ने संस्कृत में किया, ऐसे ही आचार्यों ने ब्रज भाषा में किया, जो बंगला भाषा, जैसे हमारे आचार्यों ने बंगला भाषा में किया भाव वर्णन। तो सुखदेव जी तो समाधि, भागवत समाधि भाषा है ना, सार वस्तु बोलते हैं, लेकिन उसी रस में निष्ठा और शुद्धता प्राप्त करके भगवान भक्त के हृदय में जब लीला प्रकट करते हैं, जैसे सूरदास जी के या बिल्व मंगल ठाकुर के हृदय में जो लीला प्रकट हुई तो उन्होंने संस्कृत या ब्रज भाषा में कहा, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में जो लीला प्रकट हुई भज भक्त वत्सल, तो उन्होंने बंगला में गाया। ऐसे ही कुछ ब्रज प्रेमी भक्तों को भगवान ने ये भाव ये लीला हृदय में प्रकट की, उन्होंने अपने इस भाव को ब्रज भाषा में, बंगला भाषा में, संस्कृत भाषा में रखा, जो अन्य अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो हमने ये सब गुरु महाराज से, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गुरु गोस्वामी महाराज से पहले कुछ सुना है और ब्रज में भी पढ़ा सुना है, तो इसका कुछ मिलता जुलता याद आता है तो बताते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा था प्रभु जी, ये तो ये क्या रसखान जी का था? नहीं ये रसखान जी का नहीं है, ये दूसरे कवि रत्नाकर जी का है शायद।
जगन्नाथ जगन्नाथ रत्नाकर करके हुए जिन्होंने ये उद्धव और गोपियों का संदेश लिखा है। और भी इसमें एक दो लाइन है कभी सुना है, और क्योंकि ये तो बाद का प्रसंग है, लेकिन यहाँ बात आई कि भगवान कहते मेरा संदेश देना, ये तो तुम्हारा संदेश काम नहीं करेगा। गोपियां दिखती है अनपढ़, लेकिन वो प्रेम भक्ति होता है ना, कृष्ण को जान लेती, यस्मिन विद्याते सर्वयो विद्यातम भवति, जो भगवान को जान लेता है सब जान लेता है। भगवान मतलब ये कह रहे हैं। ओके थैंक यू, आप इतना पसंद करते हो मतलब ध्यान से सुनते हो, तो निश्चित भगवान कृष्ण सबके हृदय में है और सबकी इच्छा पूरी करेंगे। हम लोग साधना में लगे रहे, जप करें, 16 माला का नियम पालन करें, गुरु शास्त्र लिखे, तो धीरे धीरे ये सब बातें भगवान की कृपा से हम समझ पाएंगे अच्छी तरह। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। कल मिलते हैं।